thank yeah. अब करेंगे शुरू पहला क्वेश्चन आपके सामने है बिंदास अब आप पर ध्यान दीजिए थैंक यू जी थैंक यू ओके सुनंद आप सपोर्ट वाली आईडी पे मेल कर दीजिए या कल कॉल कर लीजिएगा आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व प्रीवियस क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी हाँ जी ओके कोई बात नहीं <laughs> देखिए इधर यहां पर आपके पास है सेवन का क्यूब अब आपको पता है कि सेवन का जो क्यूब होता है वो थ्री फोर्टी थ्री होता है टू की पावर फाइव तो दो की घात पांच क्या होता है दो चार आठ सोलह बत्तीस तो ये आपका थर्टी टू आ गया चार की घात तीन फोर का क्यूब कितना होता है जी सिक्सटी फोर होता है ये डिवाइड में नीचे चला जाएगा फिर आगे बढ़ जाए वन परसेंट तो वन परसेंट ऑफ थ्री अगर आप सोल्व करोगे तो अपॉन में हंड्रेड आ जाएगा और यहां पे एक्स का स्क्वायर भी चल रहा है मतलब किसी भी प्रकार से उन्होंने कोशिश करी है कि आपको उलझाया जाए लेकिन आपको उलझना नहीं है ये दो बार कैंसिल हो जाएगा और दो बार कैंसिल होने के बाद ये आपका थ्री ट्वेंटी थ्री अपॉन में टू हो जाएगा अब इधर आप अगर जाते हो तो जीरो से जीरो कैंसिल हो सकता है और क्या हो सकता है पांच से दो बार कैंसिल हो जाएगा पांच से सात बार कैंसिल हो जाएगा मतलब दो यहां भी आ रहा है तो अच्छी बात है ये तो है ना दो यहां आ जाने दो सेवन फाइव जा थर्टी फाइव का फाइव कैरी हो जाएगा थ्री फोर्टी नाइन और थ्री फिफ्टी टू का टू कैरी फाइव और वन टू वन डबल टू फाइव आ रहा है एलसीएम अगर टू लेंगे तो ये टू ही रहने दो इनको जोड़ दो फाइव प्लस थ्री एट टू प्लस टू फोर थ्री प्लस टू फाइव और वन इसको और आप शॉर्ट कर सकते हो तो टू सेवन जा फोर्टीन फिर सेवन और कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा एक मिनट चेक करें एक बार ठीक है सब कुछ हाँ आ, ये हो गया आपका कितना पांच और तीन आठ हो गया यहां कुछ गड़बड़ है क्या थ्री अच्छा यहां मैंने गलत लिख दिया ना ठीक है थ्री फोर्टी थ्री सॉरी तो ये आपका फिर चेंज हो जाएगा ये तो आपका दो आ जाएगा फाइव प्लस थ्री एट टू प्लस फोर हो जाएगा सिक्स और ट्वेल्व प्लस थ्री हो जाएगा फिफ्टीन इसको अगर मैं हाफ करूंगा तो टू सेवन जा और टू एट जा एंड टू फोर जा और इधर आपके पास क्या लगा हुआ है स्क्वायर अगर इधर स्क्वायर लगा है मतलब सामने वाले नंबर पे ये क्या हो जाएगा सामने वाले नंबर पे ये स्क्वायर रूट हो जाएगा हाँ मैंने उसको ठीक कर दिया है अगर सामने वाले नंबर पे 784 चला जाएगा स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा और 784 किसका स्क्वायर होता है 28 का अब आज तक जो क्वेश्चंस आते थे वो ऐसे आते थे कि 28 पे आके रुक जाते थे मतलब बस हमें ट्वेंटी एट को टिक करना होता था लेकिन अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो कैसे हैं आपका आंसर आया है ट्वेंटी एट अब जरा ऑप्शन को देखो मल्टीपल ऑफ सेवन मतलब सात के पहाड़े में आता है क्या आता है मल्टीपल ऑफ फोर फोर के पहाड़े में आता है क्या आता है मल्टीपल ऑफ टू दो के पहाड़े में आता है हाँ ए और बी दोनों है मतलब इस प्रश्न का आपका आंसर पता है क्या आएगा ऑल ऑफ इनमें से सभी क्योंकि ये सबको फॉलो कर रहा है एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं सेवन की पावर थ्री थ्री फोर्टी थ्री टू की पावर फाइव थर्टी टू फोर की पावर थ्री सिक्सटी फोर वन सेवन इंटू थ्री फिफ्टी परसेंटेज का हंड्रेड थर्टी टू से दो बार कैंसिल हुआ थ्री फोर्टी थ्री इसको सॉल्व करा वन डबल टू फाइव बाई टू दोनों को प्लस किया वन फाइव सिक्स एट सेवन एटी फोर सामने स्क्वायर चल रहा था तो स्क्वायर कभी हटता है तो स्क्वायर रूट लगता है और एक इसका इस स्क्वायर है ट्वेंटी एट का ट्वेंटी एट सात के पहाड़े में भी आता है चार में भी आता है दो में भी आता है इसलिए इसका आंसर क्या आएगा ई ऑल ऑफ दी को ये फॉलो कर रहा है कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी आया इतना समझ में ओके <coughs> डन okay, है चलो इसको करिए जी इसका आंसर बताइए ओके okay. चलो भाई अच्छा लग रहा है गुड नो no दिक्कत <laughs> चलो देखें टाइम अप सेवन ट्वेंटी नाइन किसका क्यूब होता है नाइन का 784 अभी आपने देखा था कि ये 28 का स्क्वायर होता है पावर में 4 है तो किसकी पावर 4 256 होता है 4 की पावर 4 जो है 256 होता है क्या और इधर जाओगे आप क्वेश्चन मार्क है तो एक्स लिख देते हैं और 343 किसका क्यूब होता है तो सेवन का होता है पिछले क्वेश्चन के नंबर ही रिपीट हो गए यहां पर तो आपको इसको सॉल्व करना है सेवन गया ट्वेंटी वन नाइन और फोर ये आपका आ गया थर्टी फोर तो आपके एक्स की वैल्यू थर्टी फोर आ रही है लेकिन ऑप्शन बड़े शानदार हैं किसी को अगर इसमें डाउट है तो याद रखना स्कूल में हमें सिखाया था कि जिधर चोंच होती है उधर छोटी संख्या लिखते हैं इधर स्मॉलर वैल्यू आएगी और जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ी संख्या लिखते हैं है ना इधर ग्रेटर वैल्यू या बिगर वैल्यू आएगी कई बच्चों को इसमें डाउट होता है।, है ना अब हमारे पास थर्टी फोर आया है अगर मैं थर्टी फोर को यहां रखता हूं तो थर्टी फोर जो है थर्टी से बड़ा है लेकिन 35 से छोटा है मतलब इसको ये फॉलो कर रहा है बिल्कुल ठीक है अगर मैं 34 को यहां रखता हूं तो 34 ये बोल रहा है कि 34 से 18 बड़ा है ये तो बिल्कुल गलत है गलत है यहां पे अगर मैं थर्टी को रखता हूं तो ये बोलता है कि 28 34 से बड़ा है लेकिन 34 54 से बड़ा है तो ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल नहीं हो पाएगा सेम ये भी गलत हो जाएगा और इसी प्रकार ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन केवल ए वाला सही है ओनली ए जो है यहां फॉलो कर रहा है ठीक है बड़ा है छोटा है समझ आ रहा है तुम्हें कुछ 18 आ गया इधर आपने थर्टी में बी वाला बता रहा हूं है ना ए वाला तो समझ गए बीच में अगर 34 आएगा तो 34 30 से बड़ा है 35 से छोटा है मतलब सही है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बीच में 34 बी ऑप्शन बता रहा हूं मैं इसका मतलब क्या होगा पता है ये बोल रहा है कि 18 जो है 34 से बड़ा है पॉसिबल ही नहीं है इधर मुंह खुला है मतलब इधर बड़ी वैल्यू तो बड़ा 18 होता है कि 34 तो ये तो गलत है ऐसे ही आप जरा सी डी ई को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि चारों ऑप्शंस गलत हैं ओके डन हम्म चार कैसे आया चार ऐसे आया मेरे भाई 256 के ऊपर यहां फोर लगा है इसको हम बोलते हैं 256 की पावर वन बाई फोर इसको मैं लिख सकता हूं फोर की पावर फोर इससे 1 by 4 कैंसिल हुआ तो आ आगे आपका फोर या आप याद रखिए कि फोर की पावर फोर की वैल्यू जो है टू होती है ऐसे आता है चार ये सर्ट जिंडाइसिस का पार्ट है अब आगे समझ में क्यूब रूट निकालना सिखा दो दीपक उसके लिए ये शेड्यूल है देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट ये बारह तेरह चौदह और सत्रह मई को यही क्लासेस लगने वाली है और ये वाली क्लास कब लगेगी छह से सात तो इनमें यही मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं आप लोगों का कैलकुलेशन जो बड़ा वीक है ना उसको सुधारने के लिए कैलकुलेशन स्पेशल क्लासेस मैंने रखी हैं ये चालू होने वाली है है ना चलो पीडीएफ कहां मिलेगी जी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे क्लास खत्म होने के पांच मिनट बाद क्लास खत्म होते ही पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा एज इट इज आपको मिलेगी कुछ बच्चे का का बैच का पूछ रहे थे सुबह नौ से दस रीजनिंग लगता है दस से ग्यारह इंग्लिश लगता है शाम को सात से आठ में मैथ्स लेता हूं ट्रिपल नाइन से, चार से बैच स्टार्ट हो गया है और आज ज्वाइन करोगे दो दिन की क्लासेस मिल जाएंगी कल से लाइव क्लास पढ़ सकते हो है ना विनर्स की ऐप डाउनलोड कर लो पेमेंट करो और कल से ही पढ़ाई शुरू करो हमारे साथ चलो इधर देखो बाकी डिटेल्स आपको नीचे दिख रही होंगी इसीलिए तो ये लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है कि आपका टाइम खराब हो है ना परीक्षा लेने वाला चाहता है कि तुम्हारा टाइम खराब हो लेकिन हमें चाहना है कि हमें चाहिए जॉब अगर आपका टेबल्स वाला पार्ट मतलब पहाड़े अच्छे से याद हैं स्क्वायर क्यूब्स याद हैं तो आप बहुत जल्दी पार हो जाओगे है ना जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर इतना टाइम कैसे होगा आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको थर्टी तक के टेबल्स याद हैं क्या आपको फोर्टी तक के स्क्वास याद हैं और क्या आपको ट्वेंटी तक के क्यूब्स याद हैं और आपने कैलकुलेशन सुधारने के लिए अभी तक क्या क्या करा है अगर आपके पास इन प्रश्नों के जवाब हैं तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं कि स्पीड कैसे बढ़ाई जाए ओके अच्छा जी अच्छा राहुल बिल्कुल पहचान गए हम तुम्हें चलो भाई अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दो लाइक में इतनी कंजूसी क्यों ओके, यस चैतन्य ओके चलो देखो जी यहां पे क्वेश्चन मार्क है इसको मैं एक्स बोल देता हूं एट फोर्टी वन ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर होता है क्या देखो कभी भी कोई नंबर है आपने सर्ड इंडाइसिस घातांक करनी अगर पढ़ा है नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं कभी भी किसी नंबर की पावर अगर माइनस में है उसको उसका हिंदी में उसको बोलते हैं व्युतक्रम और इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल अगर आप रेसी कर देते हो तो पावर माइनस से प्लस में हो जाती है ये माइनस एम है तो एक्स की पावर आपकी प्लस की एम हो जाएगी ये आपका सॉल्व हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा तो थ्री की पावर प्लस का थ्री हो जाएगी ट्वेल्व का स्क्वायर होता है वन फोर्टी फोर और थर्टी सेवन थ्री ट्रिपल वन होता है, है ना तो ये आपका ट्वेंटी है यह आपका ट्वेंटी है इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो यह आ जाएगा आपका टू ट्वेंटी नाइन और ट्वेंटी सेवन फिफ्टी सिक्स होता है यह इधर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा वन नाइनटी नाइन है ना यह आपका आंसर आ गया अब इन्हें हमें यहां पर सेट करके देखना है कि अपना वन नाइनटी नाइन जो है वो किस तरीके से यहां पर होने वाला है ओके जी समझ में आया क्या सभी को एट फोर्टी वन ट्वेंटी नाइन का क्यूब स्क्वायर होता है ये ऊपर जाएगा तो यह ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी नाइन फिफ्टी सिक्स इधर से उठ के उधर जाएगा तो माइनस ये दोनों जुड़ गए तो 255 फिफ्टी फाइव माइनस हुआ वन नाइन नाउ वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन से देखिए ऑप्शन में क्या बोला है 199 199 बीच में आएगा क्या क्योंकि ये तो दोनों से बड़ा है गलत यहां आएगा क्या गलत है ना क्योंकि 199 जो है नहीं ये तो आ सकता है ना बी वाला तो आ सकता है क्योंकि 199 120 से बड़ा है और 122 से बड़ा है तो बी तो हो सकता है ये ठीक है यहां पे अगर मैं रखूंगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि 133 बड़ा नहीं हो सकता 199 से छोटा होगा ये साइन गलत है तो ये गलत हो जाएगा और यहां बीच में 199 आ सकता है क्या 143 से बड़ा है 300 से छोटा है यस तो बी और डी फॉलो कर रहे हैं मतलब आपका आंसर ई आएगा बोथ बी एंड डी बी और डी फॉलो कर रहे हैं मतलब आंसर ई वाला बिल्कुल सही है है ना ये फॉलो कर रहा है और ये वाला फॉलो कर रहा है बी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हाँ जी ओके डन डना डन चलो आगे बढ़ो फिर इसको बता दो ये भी बेहतरीन सवाल है अरे क्या बात है तन्नू वेरी गुड ओके okay. चलिए जी देख लें क्या इसको देखो क्या क्या चैलेंजेस हैं सबसे पहले तो ये एक्स है इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वन थ्री फाइव में 112.5 पॉइंट फाइव है इक्वल में ये किसका स्क्वायर हो सकता है अगर आप देखेंगे एट्टी का स्क्वायर सिक्सटी फोर हंड्रेड होता है, है ना और 75 का जो स्क्वायर है इन्हीं के आसपास आना है सेवेंटी फाइव का स्क्वायर होता है फाइव सिक्स टू फाइव यह एट्टी के स्क्वायर से छोटा है लेकिन सेवनटी फाइव के स्क्वायर से बड़ा है लास्ट में नाइन आ रहा है तो नाइन दो ही नंबर से आ सकता है थ्री के स्क्वायर से नाइन आता है सेवन के स्क्वायर से नाइन आता है तो नाइन आ रहा है और सेवनटी फाइव से बड़ा नंबर है मतलब मैंने पता लगा लिया कि यह सेवनटी सेवन का स्क्वायर है नहीं समझ में आया इसको मैं अलग से एक क्लास पढ़ाने वाला हूं जो शेड्यूल मैंने बताया था उसमें आप देखना स्क्वायर रूट में सिखाऊंगा एट टू एट वन तो आपको वैसे तो याद होना चाहिए नहीं तो नाइनटी का जो स्क्वायर है वो कितना होता है एट्टी वन हंड्रेड और ये एट्टी वन हंड्रेड से थोड़ा सा ज्यादा है तो ये एक्चुअली नाइनटी का स्क्वायर होता है अगर आपको याद हो तो नहीं तो मल्टीप्लीकेशन भी आप जल्दी से कर सकते हो ये वन हो जाएगा 9 और 9, 18 का 8, 1 हो 80, 1 और का का कैरी होगा तो ये स्क्वायर है ऐसे भी ये प्रूव हो रहा है तो ये सब तो खैर आसान था मेन काम आपको यहां पर जो करना है वो पता है क्या करना है इसको सॉल्व करना अब मैं आपसे यहां पर छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूं आप मुझे ये बताइएगा आपको पता है परसेंटेज में 12.5 परसेंट का मतलब 1 बाय 8 होता है है ना अगर मैं 100 में 12.5 जोड़ दूं अगर 100 परसेंट में 12.5 परसेंट जोड़ दिया जाए आपको पता है 100 परसेंट 1 होता है और ये 1 बाय 8 होता है तब जाके ये 100 एंड 12.5 परसेंट बनेगा हाँ या ना तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा जी ये नाइन बाय एट बनेगा एट इंटू वन प्लस वन नाइन बाई एट पर यहां परसेंटेज तो है नहीं मतलब हमें अलग से हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मुझे एक बहुत शानदार चीज पता चल गई कि वन थ्री फाइव जीरो जो है इसको डिवाइड में कर सकता हूं नाइन हंड्रेड अपॉन एट से और एट वाले भाई साहब जो है ऊपर चले जाएंगे तब तक ये दोनों जुड़कर वन सिक्सटी एट बन जाएंगे या ना ये बात समझ में आई या नहीं आई जल्दी से मुझे बताओ परसेंटेज में आपको मैंने सिखाया है 12.5 पॉइंट फाइव परसेंट मतलब 1 by 8, मुझे हंड्रेड एंड ट्वेल्व फाइव परसेंट चाहिए हंड्रेड परसेंट वन होता है एट पर परसेंटेज तो है नहीं इसलिए हमने अलग से मल्टीप्लाई करा हमारे पास तो केवल इतना है ना देखो हमारे पास तो केवल इतना है यह है लेकिन ये जो वैल्यू होती है इसको तो परसेंटेज में चाहिए तो हमने अलग से हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एडजस्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं है इसमें इतना समझे अब हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं तो आइए इसको सॉल्व करते हैं काटा पीटी करते हैं जीरो से जीरो गया। पास से गया कैंसिल, तो कैंसिल होगा तो हो डायरेक्ट इसको तो हम और भी तो कर सकते थे डायरेक्ट तो। उड़ा दे क्या इसको ये तो गया आपका इसको से उड़ा देते छह बार हो जाएगा और पंद्रह से ये हो जाएगा कितनी बार नौ बार है ना और और अच्छी बात है तो पैतालीस से ही हो जाएगा यार दिमाग ही नहीं चल रहा है बताओ पैतालीस का दुगुना और पैतालीस का तीन गुना और दो से ये कैंसिल हो जाएगा चार बार तो ये आ गया आपका x आगे और वन सिक्स बारह से यह भाई साहब कट जाएंगे क्या बारह से कैंसिल हो जाएगा एक बार और चार बार क्या फोर्टीन आ रहा है x की वैल्यू फोर्टीन आ रही है हाँ या ना करेक्ट तो x की वैल्यू हमारे पास फोर्टीन आ रही है चौदह आ रही है अब आप देख लो कि भाई चौदह के साथ क्या क्या चीजें हैं दो के पहाड़े में आता है हाँ। तीन के पहाड़े में आता है ना चार से बड़ा आठ से बड़ा आठ से छोटा है क्या नहीं मल्टीपल ऑफ सेवन है क्या हाँ डी फॉलो कर रहे हैं क्या हां तो आंसर आएगा कि ए और डी फॉलो कर रहे हैं मतलब ई e इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है ई इज राइट ओके इसको करने के देखिए कई तरीके हो सकते हैं हम चाहे इतना नहीं पचना है तो आप वन थ्री फाइव जीरो अपॉन में वन वन टू फाइव और इधर टेन कर दो इससे सॉल्व कर लो है ना आप चाहो तो देखो अब आप बोलोगे तो इसको हंड्रेड मान लो और इसको यही रहने दो ट्वेंटी फाइव से कैंसिल करोगे चार बार ट्वेंटी फाइव से कैंसिल करोगे तो ये आपका पांच बार आ जाएगा ऐसे कर सकते हैं 45 से कैंसिल होगा तीन बार ये 12 आ गया इतना भी पचने की जरूरत नहीं थी तो तरीके कई हो सकते हैं ये तो है ही मैं आपको थोड़ा सा अलग दिखाना चाह रहा था कि ऐसा भी किया जा सकता है नहीं तो ये आसानी से भी सॉल्व हो जाएगा क्या बोला मैंने वन थर्टी फाइव इंटू हंड्रेड और वन वन टू फाइव कर लो इससे और जल्दी आंसर आ जाएगा इतना भी नहीं करना पड़ेगा है ना इसका जीरो इधर गया पॉइंट का जीरो गया इससे कर लो सीधा आपका आंसर ट्वेल्व आ जाएगा ऐसे कर लो ओके okay. जिसको परसेंटेज नहीं समझ में आया या आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो ऐसे कर लो है ना मत पढ़ो परसेंटेज के चक्कर में उससे बल्कि ज्यादा टाइम लग रहा है इससे कर लो चलो नेक्स्ट इसको करके बता दीजिए जल्दी से हम्म हो गया अच्छा बताओ जी क्या आंसर आएगा ओके थैंक यू थैंक यू देखें चलो ये आपका है वन एट सेवन फाइव जीरो है ना डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट है तो इसको अंडर रूट एक्स कर देते हैं इधर अगर आप जाते हो थर्टी सिक्स और इलेवन इलेवन की ट्रिक पता है ना पहले छह लिख दो फिर 6 और छीन आप नौ लिख दो और इसके बाद तीन लिख दो इसी प्रकार फिफ्टी नाइन का छ में मल्टीप्लाई करना है तो यह हो गया साठ का छ में गुणा तीन सौ साठ उसमें से एक कम कर दो थ्री फिफ्टी फोर आना चाहिए चेक कर लो यही आ रहा है क्या है ना अब हमारे लिए मेन चैलेंज यह है तो वन एट सेवन फाइव जीरो दोनों इधर आ जाएंगे ये दोनों अगर जुड़ेंगे तो दस हो गया पंद्रह हो गया और सात हो गया ये 750 हो गया गया और ये आपका चला गया इधर है ना अब आपका यह अगर हटेगा तो इधर आके स्क्वायर होगा यह हम जानते हैं जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा सेवन से अगर मैं इसको कैंसिल करूं या चलो हम पंद्रह से इसको उड़ा देते हैं पंद्रह से यह पांच बार हो जाएगा पंद्रह से ये एक बार पंद्रह से हो जाएगा दो बार पांच बार पांच से और चला जाएगा ट्वेंटी फाइव इक्वल में रूट एक्स अगर इसका रूट हटेगा तो इस नंबर का स्क्वायर होगा मतलब ये आपका सिक्स ट्वेंटी फाइव आएगा यही आंसर आ रहा है आप सबका भी तो हमारा आंसर आया है सिक्स ट्वेंटी फाइव है ना अब आपसे बोला है कि क्या सिक्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर होता है बिल्कुल होता है क्या 625 5 की पावर 4 होता है क्या 5 की पावर 4 ही तो 625 होता है तो यह भी ठीक है दोनों बातें सही है कोई दिक्कत नहीं है क्या 625 44 से बड़ा लेकिन 112 से छोटा है यहां खेल गलत हो गया और क्या यह 7 से डिवाइड होता है तो 7 एट फिफ्टी बचेगा 6 और 5 नहीं तो यहां पे बस दो ही चीजें फॉलो हो रही हैं ए और बी तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कि ए और बी जो है फॉलो हो रहा है ये आपका आंसर है बताओ ई बिल्कुल करेक्ट आंसर है एकदम ठीक है ओके डन चलिए आगे बढ़ेंगे कॉमन लेकर कर सकते हैं देखो यहां इतना टफ कैलकुलेशन नहीं है कि हम टाइम बचाए आपको 11 की ट्रिक पता है कि नहीं पता है, ये बताओ मुझे जैसे आपसे मैंने कहा 23 में 11 का मल्टीप्लाई करो तो सबसे पहले तीन लिख दो तीन और दो पांच लिख दो और फिर दो लिख दो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया है ना मैंने कहा फिफ्टी फोर में इलेवन का मल्टीप्लाई करो पहले फोर लिख दो फिर दोनों को लिख दो और फिर केवल फाइव को लिख दो ये इलेवन का मल्टीप्लाई हो गया तो इसलिए हमने कुछ दिमाग ने लगाते हुए डायरेक्ट कर दिया फिर आप बोलोगे सर इसको कैसे किया जाए तो आप एक बात बताओ इसको थोड़ी देर के लिए सिक्सटी मान लो मैं क्या बोल रहा हूं कि फिफ्टी नाइन को आपको सिक्स से मल्टीप्लाई करना है आप इसको इसको थोड़ी देर के लिए सिक्सटी मान लो तो आपके मनी मनी में देखते से आंसर थ्री सिक्सटी आ जाएगा आपने एक ज्यादा लिया है वन एक्स्ट्रा है कितनी बार छह बार तो आप छह माइनस कर दोगे आंसर थ्री फिफ्टी फोर आ जाएगा तो ये चीजें हम माइंड में ही कर सकते हैं बिना पेन उठाए हम आंसर बोल देंगे कि हाँ ये तीन सौ साठ है लेकिन छह ज्यादा है और ये छ हो गया छे और तीन नौ हो गया और तीन हो गया तो ऐसे कैलकुलेशन किया करो ये सब वीडियो अवेलेबल है और अगले हफ्ते इन्हीं सब कैलकुलेशन की क्लासेस भी होने वाली है चलो इसको करो इस पूरे महीने जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ना उसमें सब यही बताएंगे भाई सर हिंदी में लिखो ठीक है भाई अब हम हिंदी में लिखेंगे तीन को अब हिंदी में ऐसे लिखेंगे तीन ठीक है खुश अब जीरो लेवल से ही हो गया है भाई शुरू हो गया है एकदम बेसिक से ओके okay. <laughs> देखो थ्री की पावर हमें निकालनी है ठीक है ये आपका 729 है डिवाइडेड बाय 243 है मल्टीप्लाई करेंगे 216 का और 72 को डिवाइड करेंगे 576 से आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं नहीं तो डायरेक्ट इनको उड़ाया जा सकता था ओके 243 का ट्रिपल 7729 होता है ये तो क्लियर दिख ही रहा है 72 से क्या ये कैंसिल हो सकता है <coughs> आठ बार में हो जाएगा क्या 8 2 16 यस yes. ये आठ बार में कैंसिल हो रहा है और 8 से ये कैंसिल हो जाएगा क्या तो ये हो जाएगा 8 का दुगना 16 और 8 7 56 है ना और 27 का अगर मैं थ्री टाइम्स करूंगा तो ये आपका आना चाहिए 81 27 3 81 नाउ 81 इज व्हाट 81 वन जो होता है ये थ्री की पावर फोर होता है क्या थ्री इंटू थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन और एटी वन तो आपको पता चल गया कि यहां x की वैल्यू कितनी आ रही है फोर आ रही है ये हमें पता चल गया चलो क्या ये क्या फोर दो का स्क्वायर है बिल्कुल है क्या आंसर चार है बिल्कुल है क्या चार से बड़ा है नहीं ये तो गलत हो जाएगा मल्टीपल ऑफ सेवन है नहीं है तो ए और बी फॉलो करेंगे ये आपका आंसर आएगा कि ए और बी जो है फॉलो कर रहे हैं तो आंसर ई e आएगा ये इंपॉर्टेंट बात है वेरी <coughs> गुड आया क्या समझ में इससे ये तीन बार कैंसिल हो गया इससे आठ बार आठ से ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन एटी वन 81 वन थ्री की पावर फोर होता है तो एक्स की वैल्यू फोर है और फोर जो है टू का स्क्वायर और फोर है ऑप्शन ई e जो है इसको फॉलो कर रहा है बिल्कुल ओके okay. हाँ जी इसको करेंगे <laughs> कुछ लोग पहले ही बता देते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बिना क्वेश्चन दिए है ना अब बताओ आंसर मनीष अभी से भी करेंगे तो हो जाएगा लेकिन ज्यादा दिन सोचोगे ना तो लेट हो जाओगे तुम तैयारी शुरू करना है तो आज से ही शुरू करो करो जी जल्दी से करो बताओ जरा क्या आएगा देखिए 88% परसेंट ऑफ वन एट फाइव जीरो अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं है ना और मेजर आपके लिए बस कैलकुलेशन यही रख रहा है बाकी ये भी आसान है ये भी आसान है है ना इसको आप क्या कर सकते हो आप इसको पहला तो 100 12 परसेंट लिखकर 1850 कर सकते हो भाई 100% तो ये खुद है और 1850 का 12% निकाल के माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा एक तरीका यह हो सकता है दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम 80% निकाल कर 8% जोड़ दें तीसरा तरीका यह हो सकता है देखो एट्टी एट इन टू वन एट फाइव जीरो और डिवाइडेड बाई हंड्रेड हमारे पास एक ऑप्शन है तो यह 44 हो जाएगा इसको डबल करेंगे तो यह आपका 370 हो जाएगा और डिवाइडेड 100 हो जाएगा जीरो से जीरो चला जाएगा तो अब यह फिर भी इजी हो गया आपके लिए सॉल्व करने में यह समझ में आया क्या इसको मैंने हाफ किया इसको मैंने डबल किया 185 का डबल कितना होगा 370 होगा जीरो से जीरो गया ये आपका आ गया है ना इसको भी आप अपनी जो नॉर्मल मेथड है उससे कर लो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इससे कर लो ये एट आ जाएगा कैरी टू हो जाएगा फोर सेवन जा ट्वेंटी एट जा आपका 12 हो जाएगा दो तीन चार दो कैरी चार आ जाएगा बारह और चार सोलह कुल मिलाकर इस सबसे मुझे क्या मिला वन राइट

तो देखो ये हमारा कितना आया वन सिक्स टू एट ये कितना है एट फोर जीरो और ये कितना है सेवन फिफ्टी एट इधर आ जाएगा माइनस और इधर बचेगा आपका एक्स अब इतना हम सॉल्व कर लेते हैं तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एट में से एट गया जीरो चार और दो हो गया छह में से पांच गया एक और ये हो जाएगा आपका देखो आठ में से सात गया सोलह में एक जुड़ा वन सेवन वन जीरो आ रहा है सत्रह सो दस आ रहा है अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ इनको सॉल्व करने में मुझे 1710 मिल गया है 1710 आ रहा है अब चले ऑप्शन की तरफ तो 1710 क्या इन दोनों से बड़ा है नहीं 1710 इन दोनों से बड़ा है नहीं 1710 इससे बड़ा इससे छोटा है नहीं 1710 इससे बड़ा और इससे भी बड़ा है हां तो आंसर डी आएगा करेक्ट आंसर एकदम परफेक्ट है ओके बताइए जी क्लियर हुआ क्या वन सेवन वन जीरो एक ही ऑप्शन में सेट हो रहा है वो है डी वाला गुड हर एग्जाम में काम आएगा भाई आप खुद देखो ना कैलकुलेशन किस एग्जाम में काम नहीं आता हर जगह काम आएगा आपको ये ओके है किसी को भी कोई डाउट है विकास कुमार क्या गलत है मैं देख रहा हूं तुम कुछ नहीं कर रहे हो सिर्फ एक ही चीज टाइप करे जा रहे हो गलत है गलत है कभी ये भी तो बताओ गलत क्या है ठीक है भाई तुम किस बात से हो इतने ओके चलो इसको देखो अरे ये तो आसान आ गया चलो थोड़ा सा वापस आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा इस क्वेश्चन से करिए ओके ठीक है भाई इंद्रजीत तुम्हारा नाम भी दे दिया बस <laughs> <laughs> चलो देखो जल्दी बताओ इसका आंसर सभी का आना चाहिए सभी का आंसर आना ही चाहिए इसमें कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि सर मुझसे ये नहीं बन पाएगा हम्म अच्छा धुआं धुआं कर देंगे अब तो <laughs> देखो एकदम इजी नाइनटीन फोरजा उन्नीस का चार गुना करोगे सेवेंटी सिक्स प्लस वन सो दिस इज सेवेंटी सेवन बाई फोर थर्टीन थ्री थर्टी नाइन प्लस वन ये आगे आपका फोर्टी बाई थ्री एट सेवन सिक्स प्लस फोर सिक्सटी बाय सेवन कर दो जल्दी से ये कैंसिल हो गया ग्यारह बार चार से कैंसिल हो गया दस बार तीन से कैंसिल हो गया बीस बार टू ट्वेंटी का टेन टाइम्स ट्वेंटी टू हंड्रेड आंसर है टेन सेकेंड्स में आपका शायद आंसर आ गया होगा अगर आपने एकदम सही करा तो विकास तुम फिर से बोल दो गलत है वेरी <laughs> गुड बहुत बढ़िया समझ में आया ना नाइनटीन फोर जा प्लस वन थर्टीन थ्री झा प्लस वन एट सेवन जा प्लस वन उन्नीस चौक छियहत्तर और एक तेरह तेरा उनचालीस और एक आठ इंटू सात छप्पन और चार बस काटा पिटी करी और कुछ नहीं करा है। ये लो फिर से ऑक्सीमीटर लगा लो तुम्हारा अब हम्म <laughs> बारह सेकंड में आया क्या बात है एकदम घड़ी लेकर बैठे हो वहां चलो जी जल्दी करो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं इस बार भी <laughs> अरे छोड़ दो यार विकास को तुम अपनी पढ़ाई करो तुम तो उसको ट्रॉल करने लगे देखो ये है एक्स इंटू वन फोर्टी फोर डिवाइडेड बाय हो गया हंड्रेड प्लस और का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक सौ साठ में बत्तीस जोड़ोगे तो एक सौ बानवे आएगा क्या और एटीन का स्क्वायर थ्री ट्वेंटी फोर होता है और फाइव सेवेंटी सिक्स खुद ट्वेंटी फोर का स्क्वायर होता है है ना तो देखो यहां पर आप अब थोड़ा अगर यहां दिमाग लगाओ तो ये हो गया आपका थ्री हंड्रेड और 300 में से अगर आपने 192 माइनस किया इवन यहां पर x इंटू इसको भी हम काटापिटी कर सकते हैं है ना ये आपका क्या हो सकता है दो से कैंसिल कर दो चार से कैंसिल कर दो चार से हो जाएगा 25 फाइव चार से कैंसिल करोगे तो फोर थ्री जा और फोर सिक्स तो 36 सिक्स बाय ट्वेंटी आ गया अब एक बात समझो मैं आपसे जो बोल रहा था कि 324 में से 24 गया 300 और 300 में से अगर आपने 192 माइनस किया तो 108 आएगा क्या तो x इक्वल में वन जीरो एट बचा ये पच्चीस वाले भाई साहब ऊपर चले जाएंगे और ये छत्तीस वाली बहन जो है नीचे आ जाएगी है ना तो ये आपका छत्तीस से कैंसिल हुआ तीन बार तो क्या आपका आंसर सेवेंटी फाइव आ रहा है एक बार मुझे बता दो यही आ रहा है क्या हम्म ठीक है, बिल्कुल ठीक है अब चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ तो क्या 75 फाइव थ्री का मल्टीपल है बिल्कुल है लेकिन टू का मल्टीपल है नहीं है लेकिन फाइव का मल्टीपल है हाँ तो ए सी आंसर हो जाएगा क्या बस इतना सा था खेलता था। और जैसे मैंने यहां पर किया ना जैसे आप में से कई बच्चों ने यहां पता नहीं क्या क्या किया होगा कुछ लोगों ने दिमाग भी लगाया होगा मेरा आपको हमेशा सजेशन है कि नंबर्स को ब्रेक करना सीखो जैसे आपने यहां पे 12 देखा ना जिसको ब्रेक करना हो आप 16 को भी ब्रेक कर सकते हो 12 को भी ब्रेक कर सकते हो लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर मल्टीप्लीकेशन में ये ब्रेक करने वाला मेथड सीखोगे ना आपका आंसर दो सेकंड में आएगा मैं बताता हूं कैसे 16 और 10 160 होता है इसमें कुछ काम करना ही नहीं था आपको केवल 16 का डबल 16 का दुगना 32, तो 160 में 32 जोड़ना था आपका आंसर एक आ, आ गया, समझ में आ रही बात 12 को तोड़ो 160 और 160 का डबल 32, तो दोनों को जोड़कर 192 आएगा ना क्या आप ये मन में नहीं कर सकते थे आराम से बन जाता तो आप देखकर बोल देते कि टेन मतलब वन सिक्सटी तो तुरंत आपका आंसर आ जाता है ऐसा करना सीखो नंबर्स को ब्रेक करना सीखो सीधे सीधे मत चलो एग्जाम में अगर आप एकदम ट्रेडिशनल तरीका अपना स्कूल वाला तरीका और आप सोचोगे कि ठीक है सर हम तो आंसर लाए भले आधा घंटा लग जाए ऐसे में पास नहीं होंगे आप आपको अपने जो मेथड्स हैं अपनी टेक्निक्स आपको बदलनी पड़ेगी और आपको समय बचाने पर काम करना पड़ेगा तब आप बाकी लोगों से आगे रहोगे और ये छोटी छोटी चीजों पे काम किया जाता है तब जाके चीजें बड़ी बड़ी बनती हैं बताइए क्वेश्चन <laughs> की कमर तोड़ना है बिल्कुल देवराज तुमने सही मतलब निकाला है हाँ टेबल से तो कर ही सकते हो कैसे दिन भर इतनी क्लासेस ले लेते हैं बस ले लेते हैं यार कोई काम धंधा ही नहीं हमारे पास पढ़ाने के अलावा <laughs> तो दस ग्यारह घंटे पढ़ाओ नहीं तो नींद भी नहीं आती <laughs> ओके ई आंसर कुछ लोग तो ना मुझे अब समझ में आ गया है वो ना मतलब बस इन्हीं के पीछे पड़ गए बी और डी या मतलब डी ई ऐसा ऑप्शन दिखा मतलब यही आंसर आएगा है ना हर बार ये काम ये जो तुम्हारा टोटका ये काम नहीं करेगा हर बार है ना तुक्का मत मारो देखो आप एक काम करो इसको आप नॉर्मली लिख लो बिल्कुल चिंता मत करो बिल्कुल दिमाग मत लगाओ आप इसको नॉर्मली लिखो है ना प्लस क्वेश्चन मार्क की पावर थ्री है इंटू में पॉइंट फाइव है और सिक्सटीन का जो स्क्वायर है वो टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स होता है ये आप जानते हो इसको आप ट्वेंटी फाइव से कैंसिल करिए ट्वेंटी फाइव से फोर टाइम्स और ट्वेंटी फाइव से सेवन टाइम्स है ना और चार से फिर इसको कैंसिल कर दीजिए फोर टू झा एट एंड फोर एट थर्टी टू और फिर 28 का सात गुना कर दीजिए अब देखिए यहां पे भी बहुत सारे तरीके हैं आप करोगे सेवन एट फिफ्टी सिक्स का सिक्स कैरी फाइव और चौदह और पांच हो गया उन्नीस एक तरीका ये हो गया आप नहीं तो क्या कर सकते थे देखो 20 है तो 140 आ गया और छप्पन आ गया एक आ गया 140 सौ चालीस प्लस छप्पन एक फिर इधर आप गए एक्स क्यूब इंटू सेवन पॉइंट फाइव इक्वल में 256 तो अब देखो हमें करना क्या है 256 में से 196 को माइनस करना है और डिवाइड हमें 7.5 से करना है तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं अगर मैं यहां पर देखूं 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा और 25 में से अगर 19 चला गया तो 6 बचेगा और ये हमारे साढ़े सात वाले भाई साहब यहां आ जाएंगे और इधर क्यूब बचेगा आप एक बात बताओ 7.5 का डबल 15 होता है 15 का चार गुना साठ होता है तो डबल करके चार गुना करा डबल करके फोर टाइम्स करा मतलब ये आठ हुआ ना आठ हुआ और आठ को अगर आप लगाओगे क्यूब है तो क्यूब रूट लगेगा तो ये तो बाहर निकल के दो आना चाहिए है ना तो की वैल्यू एट नहीं आएगी एक्स की वैल्यू इस बार क्या आ रही है जी की वैल्यू टू आ रही है तो मल्टीपल ऑफ थ्री है नो no. टू है नो no. ये सब गए इस बार एकमात्र ऑप्शन आपका सही है वो है बी मल्टीपल ऑफ टू ये समझ में आया कैसे कैंसिल किया सेवन पॉइंट फाइव का डबल फिफ्टीन और 15 का 4 टाइम्स 60 तो पहले डबल किया फिर 4 टाइम्स करा तो 8 टाइम्स हो गया ना पहले दुगना करा फिर चार गुना करा तो आठ गुना हो गया ना आठ लिख दो डायरेक्ट ओके चलो भाई अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें अच्छा लग रहा है तो कर दिया करो ठीक है जो नए बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो रोज रात को नौ बजे क्लास होगी नोटिफिकेशन आ जाया करेगा और एक क्लास छह बजे चलती है विनर्स वाली चैनल पर हां चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसको करिए <laughs> ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है जी अरे तेजी से पढ़ाएंगे तो कुछ बच्चे गाड़ी से गिर जाएंगे है ना सबको साथ में लेकर चलना है और थोड़ा टाइम भी तो देना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए चलो क्या करोगे इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले आओ। परसेंटेज से दो जीरो गए तो आप बोलोगे वन फिफ्टी सिक्स प्लस थ्री सेवेंटी सिक्स थर्टीन थ्री नाइनटी इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा इतना ठीक है क्या अब आप एक बात सोचो 390 और 378 एकदम करीब है यहां 12 की कमी हो रही है 12 अगर 12 इसमें से माइनस कर दूं तो 144 सीधा आ जाएगा क्या X की वैल्यू 144 ही आ रही है क्या आपकी भी हाँ कुछ गलत लिखा है क्या मैंने थ्री अच्छा यहां मैंने सिक्स कर दिया सॉरी यहां सिक्स आएगा अगर यहां सिक्स आएगा तो फोर्टीन माइनस होगा फिर वन फोर्टी टू आ जाएगा ओके वन फोर्टी टू आ जाएगा अब ठीक है तो 142 हमारे पास आ गया 142 फोर्टी थ्री का मल्टीपल होता है क्या थ्री की डिविजिबिलिटी क्या है तीन से डिवाइड होता है या नहीं होता है ये कैसे चेक किया जाता है सम ऑफ डिजिट्स फोर प्लस वन प्लस टू चार दो छह और एक सात तीन से डिवाइड होगा क्या नहीं होगा दो से डिवाइड होगा बिल्कुल पांच से होगा नहीं तो इस बार आंसर केवल क्या आना है मल्टीपल ऑफ टू मल्टीपल ऑफ टू बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका हाँ जी हाँ जी हाँ जी गलती हो गई भाई इंसान है गलती हो गई ठीक है हो सके तो माफ कर देना तुम 156 376 390 इधर आया ये भाई साहब उधर गए 142 हो गया 142 जो है केवल टू से डिवाइड होता है ना थ्री से होता है ना फाइव से होता है, से होता है। खुश अब हम्म hmm. और अगर आपको डिविजिबिलिटी पूरा पढ़ना हो कि दो से डिवाइड तीन चार पांच आठ नौ दस ग्यारह के सबके रूल्स क्या हैं तो ये भी कुछ ही दिनों पहले अपनी जो मैथ्स स्पेशल चैनल है आदित्य पटेल विनर्स उस पर एकदम ताजा ताजा पढ़ाया हुआ है आप उस पर जाके सब सीख सकते हो पूरा डिविजिबिलिटी का सिस्टम क्या होता है